हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारी तरफ बहुत तेज़ हो रही है बारिश। मॉर्निंग से ही बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इस बारिश में कुछ चटपटा खाने का मन करने लगा है हम लोगों का। फिर आज है संडे, तो आज चलिए कुछ हम स्पेशल लंच बनाते हैं और दिखाते हैं आज हमने लंच में क्या बनाया है। तो ये हमारा है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो हमने गरम तेल में अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो गैस कीजिए, हम क्या बना रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसालों को और ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने कश्मीरी मिर्च भी ऐड किया है और ये हमने साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है, जिससे थोड़ा कलर और भी अच्छा आ जाए और थोड़ा खाने में और भी टेस्टी लगे। तो इन सब को मिक्स करने के बाद हमने डाल दिया है इसमें छोला और साथ में एक बॉयल आलू। तो आपको देखने से पता ही चल गया होगा कि हम छोला बना रहे हैं कि राजमा की पनीर की सब्जी, क्योंकि सब में ग्रेवी का जो मसाला रहता है वो सेम ही रहता है, बस 19-20 रहता है। कि जब हम पनीर की सब्जी बनाते हैं तो हम उसमें मलाई या दही को ऐड करते हैं, और जब छोला बनाते हैं तो उसमें हमें ना मलाई ऐड करना रहता है ना दही ऐड करना रहता है। तो थोड़ा बहुत तो गैस आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बॉयल आलू डालने से ये होता है कि हमारा जो छोला होता है काफ़ी टेस्टी और थिकनेस होता है, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो आप जब भी छोला बनाएं, तो अगर आपको छोले की ग्रेवी थोड़ा थिकनेस चाहिए या फिर ग्रेवी ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो 1-2 आलू ज़रूर ऐड कर दीजिए, जिससे ग्रेवी काफ़ी मस्त बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे कि मैंने एक आलू को इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसको 10 मिनट के आसपास हम कुक करेंगे बिना पानी के। अभी मैंने इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है, छोले में जो ही पानी था मैंने उसी पानी से ही छोले को अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ कुक किया है। और इसको अच्छी तरह से एक बार फिर हम चला देंगे। तो देखिए कितना मस्त हमारा छोला बनके तैयार हो रहा है। और अगर आप इसमें ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर दीजिए, जो कि मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा मिस हो गया है ब्लॉक। तो देखिए ये हमारी छोला बनके तैयार है। इसमें मैंने 1/2 ग्लास के आसपास पानी ऐड किया था, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया था। तो मेरा गर्मा गर्म देखिए थिकनेस वाला छोला बनके तैयार है। तो मेरा छोला कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से मैंने बनाया है आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए साथ में बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ी का आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी साथ में तैयार कर लेते हैं। तो आज तो बहुत ही अच्छा लंच होने वाला है। तो ज़्यादातर सैटरडे संडे कुछ स्पेशल हम लोगों को बच्चों के लिए बना ही लेना चाहिए, क्योंकि और दिनों में तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि हम कुछ स्पेशल बना पाएँ। फिर फुल फैमिली के साथ सैटरडे संडे ही होता है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि सैटरडे संडे या फिर किसी छुट्टी के टाइम कुछ स्पेशल फैमिली के लिए ज़रूर बनाएँ। इससे फैमिली को भी अच्छा लगे और आप लोग को भी खाने में साथ में अच्छा लगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो रही हैं, और पूड़ियाँ काफ़ी खस्ता वाली बनी है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया है और थोड़ा सा नमक। मावन तो मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि हमको इसको छोले के साथ खाना है। अगर हमें चाय के साथ खानी होती तो हम इसमें थोड़ा मावन भी ऐड कर देते हैं। तो आप लोग हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए पुड़िया भी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर छोटे से ब्लॉक के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में फिर आपसे मिलते हैं। तो बताइएगा हमारा आज का लंच कैसा लगा, हमारा छोला कैसा लगा जिस तरह से हमने बनाया, और हमारी गर्मा गर्म पुड़ियाँ कैसी लगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाला कोई भी ब्लॉग आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों को कैसे ब्लॉग पसंद है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को रेसिपीज़ वाले चाहिए या फिर घूमने वाले, तो हमारे पास घूमने वाले भी ब्लॉग इसमें हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर आके विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।